द केरला स्टोरी से लेना होगा सबक, अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति सटीक व तर्कपूर्ण जानकारियों से लैस करना होगा। बॉक्स ऑफिस में धमाकेदार एंट्री के साथ ही द केरल स्टोरी ने भारतीय फिल्म उद्योग को एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बॉलीवुड सिनेमा सिर्फ बिछड़े भाई बहनों की कहानी या पेड़ के चारों तरफ हीरो हीरोइन के नाचने भर से नहीं बनाया जा सकता है। कश्मीर फाइल्स के बाद केरल स्टोरी ने ये साबित कर दिया है कि मन को झकझोर देने वाले तल्ख सामाजिक सरोकारों पर भी सार्थक के साथ व्यावसायिक हितों को साधने वाली फिल्म बनाई जा सकती है। भारतीय सिनेमा ने तल्ख सामाजिक सरोकारों को उठाने का जो सिलसिला शुरू किया है वह भारतीय फिल्म उद्योग के लिए भविष्य में बड़ा मददगार साबित होगा। पिछले कई दशकों से विदेश में शरणगाह पाए चंद शांतिप्रिय आपराधिक गुर्गों के हाथ में बॉलीवुड दम तोड़ता सा नजर आ रहा था। ऐसे दौर में सार्थक सिनेमा ने ही संजीवनी जैसा काम किया है। फिल्म द केरल स्टोरी में फिल्म की पटकथा से लेकर निर्देशन और कलाकारों द्वारा की गई एक्टिंग की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही होगी। ऐसे गंभीर और सार्थक मुद्दों पर फिल्म बनाना व्यावसायिक तौर पर बहुत बड़ी रिस्क होती है जिसे पूरे होशो हवास के साथ फिल्म निर्माता ने उठाया है। आज मैं इस फिल्म की उसे पक्ष की चर्चा करना चाहूंगा जिसके ऊपर ज्यादा रोशनी नहीं डाली गई है और जो हमारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए पर्याप्त है। वह पक्ष है अपने धर्म के प्रति कट्टरता व समर्पण। इस बहुचर्चित फिल्म में हॉस्टल में रहने वाली चार लड़कियों में से एक आशिफा बा है जो बाकी लड़कियों को इस्लाम की विशेषताएं बताकर समझाकर ब्रेन वॉश करती है। आसिफा की भूमिका निभाने वाली कलाकार सोनिया बालानी ने फिल्म में अपने तर्कों और डायलॉग से यह साबित कर दिया है कि धर्म विशेष की पैरोकारों ने 2047 के गजवाए हिंद के लिए कितनी गहराई से तैयारी कर रखी है। उन्होंने अपने मिशन के लिए टीम के लोगों को इस तरह से तैयार किया है कि वह दूसरे धर्म के मानने वालों को ही अपने धर्म के प्रति मनोवैज्ञानिक हीनता की भावना से ग्रसित कर देते हैं। फिल्म में वह पूरी शिद्दत के साथ स्थापित करती है कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं होती है और अल्लाह ही सबकी रक्षा करता है, क्योंकि दूसरे धर्म में तो भगवान या अन्य स्वयं ही पीड़ित होते हैं। वे जब स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम लोगों यानी आम आदमी को क्या बचा पाएंगे, क्या सुरक्षा दे पाएंगे। फिल्म निर्माता ने इस बिंदु को बड़े ही सटीक ढंग से उठाया है और यह चेताया है कि हम अपने बच्चों को अपने इष्ट से जुड़ी गौरव गाथाओं और महिमा से परिचित नहीं करते हैं। उनके पास ऐसे तर्क नहीं होते हैं कि जब कोई उनके आराध्य पर अनुचित टीका टिप्पणी करे तो वह सटीक व तर्कपूर्ण जवाब दे सके। जबकि फिल्म थी केरल स्टोरी में आसिफा बा ने हर मौके पर अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है और दूसरों के धर्म को दोयम दर्जे का बताया है। धात्मक दुनिया में अपना जीवन सम्मानपूर्वक तरीके से सर उठाकर जी सकेंगे।